अभी हम लोग पुष्कर से वापस निकल रहे हैं, तो आप लोग ही वापस घाटी देखे चढ़ते हुए देख रहे, उतरते हुए घाटी देखे आप। आज हम पुष्कर से वापस जोधपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, तो वापस चल रहे हैं जोधपुर। तो बाय बाय पुष्कर को बाय बाय कहते हैं, तो आज पुष्कर को वापस बाय बाय कह दिया है। एकदम मस्त वाली हिल, इसे मस्त पहाड़ी कह सकते हैं। ये जंगल भरा रास्ता और ये सीन और ये पेड़ पौधे और ये हिल, कैसी लग रही है आप लोगों को? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी जल्दी, अच्छी लग रही है, ख़राब लग रही है, जैसी भी लग रही है आप लोग फटाफट लिखो। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा देखने का, जिंदगी मौके में आपको एक बार देती है देखने का, बार बार नहीं देती। तो आप लोग देखो कितने ऊपर से ये लोग आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। खतरनाक तरह की रिस्क ले रहे हैं हम लोग, इतनी भयंकर वाली रिस्क है। एंट्री कौन नहीं खींच देगा यार, ले फोटो खींच के एक तो मेरी ले फोटो खींच मेरी एक मिनट फोटो खींच के दे रहे, फोटो खींच रहा है भैया, अरे फोटो खींच रहा है खाली। हाँ एक मिनट ले ले एक मिनट, तो कहाँ पर लगा? अलाउ नहीं है फोटो खींचना, तो फिर रुकने का फायदा ही क्या फिर? चलो फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर रुकने का मतलब क्या, फोटो नहीं खींचना तो क्या मतलब फिर यार? वो मैं भी नहीं बोल सकता ना, तो बना सेल्फी पॉइंट के लिए ही है यार, बना तो सेल्फी पॉइंट के लिए ही है ये। मैं चढ़ने की बात नहीं, छोड़ अंदर कोई नहीं, कोई नहीं, मतलब बनाया इसीलिए था ना पॉइंट सेल्फी पॉइंट, इसीलिए बनाया ना, बनाने लिए। चलो कोई नहीं यार छोड़ो ना, नहीं पर फोटो खींचने दे नहीं तो क्या क्या मतलब, फोटो खींचने दे नहीं तो मतलब क्या? ये बोले भाई हम फोटो खिंचा लूँगा तो बता, समझ बड़े चाह लूँगा नहीं, मेरे किल के पास से होकर जा रहे हैं। और ये रोड बहुत प्यारी, एकदम फर्स्ट क्लास रोड है, फर्स्ट क्लास वाली रोड है। आई लव यू अजमेर, आते बार फोटो खींचेंगे यहाँ पर। तो अभी अपन एक चीज़ देखने जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जंप बड़े बड़े दे रखे हैं भाई लोगों ने, ये देखो कुछ दिख रहा है आपको, जानवरों की हत्या कितनी बुरी तरह रैम से। अभी हम लोग अजमेर में हैं और नहीं पुष्कर में है अभी हम लोग, और पुष्कर जो में हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं। तो आप लोग देखो कितनी प्यारी अच्छी सी लग रही है,
तो बहुत मस्त वाली लग रही थी, तो हमने देखी, अच्छी सी लगी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी। ये अजमेर का शहर घूम रहे हैं हम लोग अभी तक। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर रेलवे स्टेशन के पास। आंधी, भयंकर वाली आंधी आ चुकी है, तूफान आ रहा है रास्ते में, और हम लोग अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं तूफान को चीरते हुए। भयंकर वाला तूफान चल रहा है अभी। तो अभी हम लोग वापस घर के लिए निकल गए हैं, तो वही रूट हमने वापस वही रूट लिया है। पर अभी हवा इतनी तेज़ चल रही है, हद ही नहीं, आंधी है, तूफान इतना तेज़ चल रहा है भयंकर वाला। ये जो सर्कल है बहुत घूम कर जाता है, गोल गोल घुमाता रहता है। इस सर्कल का क्या किया जाए, इस सर्कल का कुछ नहीं किया जाता। ये सर्कल भूल भुलैया सर्कल है, आप जब भी जयपुर जाओगे तो ये सर्कल आपको भूल भुलैया कर देगा। भूल भुलैया सर्कल, शानदार पहाड़ी का सीन आ रहा है। हज़ार बार निकलोगे तो हज़ार बार यहाँ से वीडियो बनाना पड़ेगा आपको, इतनी प्यारी लुकिंग है ना यहाँ से। आप अगर कितनी बार भी निकलोगे, जितनी बार निकलोगे, जितनी बार वीडियो आपको बनाना पड़ेगा, इतना प्यारा व्यू आता है ना यहाँ पर। और अभी तो धूप निकली हल्की हल्की, तो धूप में और अच्छा व्यू आ रहा है। इस शानदार पहाड़ों को काट कर जो ये रोड बनाई पहाड़ों के बीच में से, बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है। आप देख लो यहाँ 70-80 गाड़ी स्पीड चल रही है, फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सूरज एकदम सामने से निकल रहा है, लड़कों का रिएक्शन। देख कर लड़के ज़्यादा तेज चला रहे हैं गाड़ी। शाम को सनसेट होते हुए, सनसेट बहुत प्यारा लुक में सनसेट हो रहा है, और हमारी जर्नी कुछ दूर की ओर रही है, कंप्लीट होने वाली है आज जर्नी हमारी। ज़्यादा दूर नहीं है जर्नी हमारी, और सनसेट भी ज़्यादा दूर नहीं है हमसे। कहते हैं ना सूर्य अस्त होता ना उससे पहले पहले घर पहुंच जाओ, तो आज अपन भी सूर्य अस्त होने से पहले पहले घर पहुंच जाएंगे, जब तक मुझे लगता है। तो अभी अपन बाईपास रोड पकड़ लिए,